सब्सक्राइब कीजिए एग्री बॉय अमित शर्मा के चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कृषि से संबंधित जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। शर्मा सिग्नेट सीड्स कंपनी की तरफ से भारत के आप सभी किसानों का स्वागत करता हूं सिग्नेट सीड्स कंपनी के शो किसानों का हम सफर में। और आज हम मौजूद हैं गांव तैंग तहसील फिलौर जिला जलंधर में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रदेश के बड़े ही प्रगतिशील किसान हरप्रीत सिंह जी। तो इन्होंने सिग्नेट कंपनी का राजा सुपर 45 और बुलंद 50-50 अपने खेत में लगाया हुआ है। आज हम अभी हम जिस फसल में खड़े हैं ये है सिग्नेट सीड्स कंपनी का रिसर्च धान राजा सुपर 45। तो किसान से जानते हैं इस धान की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो अर्पित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो जरा किसान भाइयों को बताइए आपको इस धान में क्या विशेषता नजर आई। सर विशेषता बहुत है ते सानू बहुत वधिया लग्या क्योंकि असी आलू भी बीजते हैं जी। ते दूजे नंबर ते सारी दा बूटा बहुत वा ते थली तक हरा आया ते कोई बीमारी नहीं हैगी हले तक सिर्फ एक स्प्रे की और कोई बीमारी नहीं हैगी बहुत वधिया दी है। आपने अभी तक सिर्फ इसमें एक स्प्रे किया है। सिर्फ एक स्प्रे किया है। इसमें खाद कितना डाला आपने? सर 45-45 किलो दे 3 बोरी। 45-45 किलो दे 3 बोरी इसमें डाले हैं। पनीरी आपने कितने दिन की लगाई थी? पनीरी सर ओदा दा 25 दिन दी लगानी चाहिए साडे को फिर भी 30-35 दिन हो गए सीगे क्योंकि लेबर नहीं मिलदी सी। अच्छा लेबर ना मिलने की वजह से 35 दिन की हो गई थी पर फिर भी बहुत अच्छा देख सकते हैं। लेकिन 35 दिन की पनीरी होने के बावजूद भी जो इसका फुटाव है वो बहुत अच्छा है। 40-45 कल्ला इसके अंदर एक पौधे में आ रहा है। ठीक है। और बाली बाली देखिए बाली कैसी लग रही है आपको इसकी? सर बाली भी बहुत बढ़िया देखो है बढ़िया सारा दाना देना ते पीली बार सर ज्यादा सीगा यदि हाइट भी सही है डिगूगा भी नहीं। अच्छा इस कंपनी का क्या कोई और बीज भी आपके गांव में लग रहा है? जी मैं भी सर लाया बुलंद लाया सर 5 खेत ओदे आ ते 7 खेत दे दे आ। बुलंद कैसा लग रहा है आपको? बुलंद भी बहुत बढ़िया सर दाना बन झुक गया वो बिल्कुल नहीं सर थोड़ा अभी निसर आया तान वाले सारा झुकने वाला ही है बस। झुकन वाला है तो उस क्या उसमें कोई बीमारी या कुछ लक्षण नजर आया आपको? कोई बीमारी नहीं है। तो किसान भाई को क्या सलाह देना चाहेंगे सिग्नेट सीड्स के बारे में या इसके बीजों के बारे में? सर मैं तो कहना सारे नु लाना चाहिए ट्राई जरूर करना चाहिए एक बार ला के देखना चाहिए आप और भी ट्राई कर दी हम दो खेत लाओ ला के जरूर देखो। आपको इस बीज के बारे में कहाँ से पता लगा? सर मैनु यूट्यूब द्वारा पता लगा अमित शाह शर्मा को मैं यूट्यूब देखता सी उस मैं दिसा मैं चलो ऐतक ये ला गया कट्टन लगा। ठीक है अभी सारा ही यही लाया सारा आपने 45 रुपये लगाया लाया तो बुलंद दे 5 किलो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी किसान भाइयों को यही आग्रह करूंगा कि सिग्नेट सीड्स कंपनी को आप ऐसे प्यार करते रहें और हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को ऐसी शेयर करें ज़्यादा संख्या में लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।